हेलो एवरीवन, वेलकम इन प्रोग्रामिंग ब्रेन चैनल। तो आज हम नए वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फाइल हैंडलिंग इन सी। तो इसमें हम फाइल क्रिएट करेंगे और फाइल में यूज होने वाले ऑपरेशंस, फाइल में कैसे डेटा को स्टोर किया जाता है, कैसे डेटा को रिट्रीव किया जाता है, पढ़ने वाले हैं। अगर आप आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइल हैंडलिंग इन सी। तो आज हम थ्योरेटिकल पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम्स बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, ये फाइल हैंडलिंग इन सी। तो चलिए पहले हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं फाइल के बारे में। तो ये फाइल में कौन कौन से ऑपरेशन हम यूज करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम मोड्स पढ़ेंगे फाइल के, देन वी विल क्रिएट द प्रोग्राम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइल हैंडलिंग क्या है? तो देखिए, फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। फाइल होता क्या है? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है, जिसमें कि हम रिकॉर्ड स्टोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ फाइल। डिस्क इनपुट आउटपुट ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड ऑन एंटिटीज कॉल्ड फाइल्स। डिस्क इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है, ये फाइल नाम की एंटिटीज पर परफॉर्म किए जाते हैं। डिस्क इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का मतलब है फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, जो फाइल में हम ऑपरेशन करेंगे, जैसे क्रिएट करना, सर्च करना, राइट करना, रीड करना, तो ये सब ऑपरेशंस, तो ये डिस्क इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस बोले जाते हैं। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस अवेलेबल फॉर परफॉर्मिंग फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। बहुत सारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस अवेलेबल हैं, जो फाइल के इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। दीज फंक्शंस कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। और ये जो फंक्शंस हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस, ये ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। नंबर वन, हाई लेवल फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शंस, जिनको हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस भी बोलते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट लगेगा। दूसरा है हमारा लो लेवल फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शंस, जिनको बोला जाता है सिस्टम इनपुट आउटपुट फंक्शंस। ये यहाँ पे फंक्शंस की स्पेलिंग गलत हो गई है, एफ यू एन सी टी आई ओ एन एस हो गई है, ये मिस स्पेल हो गया यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ भी और यहाँ भी ये फंक्शंस की स्पेलिंग ये है यहाँ पे, तो आप इसको करेक्ट कर लें। तो ये है दो कैटेगरी जिनमें हमारे फंक्शंस डिवाइडेड है। अब देखिए, सी में कौन सा यूज किया जाता है? तो हाई लेवल डिस्क इनपुट आउटपुट फंक्शंस आर मोर कॉमनली यूज्ड इन सी प्रोग्राम्स। और ज्यादातर जो कॉमनली हम यूज करते हैं डिस्क इनपुट आउटपुट फंक्शंस सी में, वो है हमारे हाई लेवल डिस्क इनपुट आउटपुट फंक्शंस। सिंस दे आर इजियर टू यूज, क्योंकि आसान है यूज करने में, किसकी अपेक्षा में? लो लेवल डिस्क इनपुट आउटपुट फंक्शन की अपेक्षा में। तो चलिए एक डायग्राम बना करके हमने समझा है। ये देखिए डायग्राम, डिस्क इनपुट आउटपुट फंक्शंस दो तरह के हैं, हाई लेवल लो लेवल, और सी में हम यूज करेंगे हाई लेवल केवल। और हाई लेवल भी कितनी तरह की फाइल्स यूज होती हैं उसमें, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। और जो टेक्स्ट फाइल है ये फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड दो तरह की होती है आपकी। तो देखिए, अब ये टेक्स्ट फाइल में किस तरह का डेटा आप स्टोर करते हो? टेक्स्ट फाइल्स आर द नॉर्मल डॉट टीएक्सटी फाइल्स। टेक्स्ट फाइल जो होती है, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल होती है जिनका एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी होता है। वी कैन इजीली क्रिएट टेक्स्ट फाइल्स यूजिंग एनी सिंपल टेक्स्ट एडिटर्स सच एज नोटपैड। और जिनको हम आसानी से टेक्स्ट फाइल को क्रिएट कर सकते हैं किसी भी सिंपल टेक्स्ट एडिटर में, जैसे कि नोटपैड में। तो नोटपैड एक सिंपल सा हम टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करने के लिए। व्हेन यू ओपन दोज फाइल्स, जब आप इन फाइल्स को ओपन करते हैं, तो यू विल सी ऑल द कंटेंट्स विद इन द फाइल एज प्लेन टेक्स्ट। तो जो भी कंटेंट्स आपके इन टेक्स्ट फाइल में होते हैं वो सिंपल प्लेन टेक्स्ट में होता है। यू कैन इजीली एडिट और डिलीट द कंटेंट्स, और आप आसानी से एडिटिंग कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो किनको? प्लेन टेक्स्ट कंटेंट्स को जो आपके फाइल्स में स्टोर्ड है, और इजीली रीडेबल। और ये फाइल्स जो होती हैं, आसानी से हम इनको रीड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो इजीली रीडेबल है। नेक्स्ट है हमारा बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल्स आर मोस्टली द बिन फाइल्स इन योर कंप्यूटर। बाइनरी फाइल्स जो होती है, ये ज्यादातर जो वो फाइल होती है जिनका एक्सटेंशन डॉट बिन होता है, तो बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन हम डॉट बिन यूज करते हैं। इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग डेटा इन प्लेन टेक्स्ट, दे स्टोर इट इन द बाइनरी फॉर्म। प्लेन टेक्स्ट में डेटा को स्टोर करने की बजाय बाइनरी फाइल में जीरो एंड वन की फॉर्म में डेटा
स्टोर होता है. दे कैन होल्ड ए हायर अमाउंट ऑफ डेटा, और जीरो एंड वन की फॉर्म में स्टोर करता है तो डेटा ज्यादा मात्रा में स्टोर कर सकता है. आर नॉट रीडेबल इजीली, लेकिन इजीली रीडेबल नहीं होता है क्योंकि जीरो एंड वन की फॉर्म में होता है तो इजीली हम रीड नहीं कर सकते. एंड प्रोवाइड्स बेटर सिक्योरिटी देन टेक्स्ट फाइल, लेकिन सिक्योरिटी अच्छी प्रोवाइड करता है किसकी अपेक्षा में, टेक्स्ट फाइल की अपेक्षा में. नेक्स्ट है हम कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं फाइल के साथ. तो देखिए फाइल ऑपरेशन कौन कौन से, इन सी यू कैन परफॉर्म फोर मेजर ऑपरेशन ऑन फाइल्स, आइदर टेक्स्ट और बाइनरी. चाहे वो बाइनरी फाइल हो चाहे टेक्स्ट फाइल हो, हम ये चार तरह के मेजर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं. वो कौन कौन से, नंबर वन क्रिएटिंग ए न्यू फाइल, फाइल क्रिएट करना, ओपन करना एग्जिस्टिंग फाइल को, क्लोजिंग ए फाइल, फाइल को क्लोज करना, रीड फ्रॉम एंड राइटिंग इन्फॉर्मेशन टू ए फाइल, फाइल में राइट करना और फाइल से इंफॉर्मेशन रीड करना. तो ये कुछ ऑपरेशन है जो हम कॉमनली अप्लाई करते हैं फाइल में. नेक्स्ट है हमारा बिफोर राइट द इंफॉर्मेशन टू ए फाइल ऑन ए डिस्क और रीड इट, फाइल में इंफॉर्मेशन लिखने और पढ़ने से पहले वी मस्ट ओपन द फाइल, फाइल ओपन होनी चाहिए. ओपनिंग ए फाइल एस्टेब्लिशेस अ लिंक बिटवीन द प्रोग्राम एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम. जो हम फाइल ओपन करते हैं ये एक लिंक एस्टेब्लिश करता है किसके बीच में, प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में. अबाउट विच फाइल वी आर गोइंग टू एक्सेस एंड हाउ, किसके बारे में, जो फाइल हम एक्सेस करने जा रहे हैं और किस तरह से हम उसको यूज करने जा रहे हैं. तो द लिंक बिटवीन आवर प्रोग्राम एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए स्ट्रक्चर. जो लिंक है हमारे प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में वो एक स्ट्रक्चर है और उसको क्या बोला जाता है, फाइल. Which has been defined in the header file stdio.h, और इसको defined किया गया है किसमें, header file stdio.h में. यानी कि इसका जो description है वो किसमें मिलेगा compiler को, stdio.h में. With the help of file pointer we open the file, और file pointer की help से हम file को open करते हैं क्योंकि पहले हम file pointer create करते हैं और उसी में पॉइंटर में हम फाइल को ओपन करते हैं. व्हेन वी क्रिएट द फाइल वी प्रोवाइड नेम ऑफ द फाइल एंड फाइल मोड इन विच वी आर गोइंग टू ओपन द फाइल. जब हम फाइल को क्रिएट करते हैं तो हम फाइल का नाम देते हैं और मोड देते हैं जिस मोड में हम फाइल को खोलने जा रहे हैं. तो देखिए हम फाइल पॉइंटर कैसे क्रिएट करते हैं, तो फाइल इज अ कीवर्ड, ये फाइल पॉइंटर को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है. तो ये कैपिटल में ही लिखा जाता है. तो फाइल एफ आई एल ई, पॉइंटर टाइप वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है. मैंने यहाँ पे एफ पी लिया है, तो एफ पी इज द पॉइंटर टाइप वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया है फाइल पॉइंटर. तो देखिए द फाइल स्ट्रक्चर कंटेन्स इंफॉर्मेशन, और ये जो फाइल स्ट्रक्चर है आपका ये इंफॉर्मेशन कंटेन करता है किसके बारे में, फाइल के बारे में, किस तरह की जो हम यूज कर रहे हैं फाइल उसके बारे में, किस तरह की इंफॉर्मेशन, सच एज इट्स करंट साइज, इट्स लोकेशन इन मेमोरी एक्सेट्रा. तो ये इंफॉर्मेशन कंटेन करता है और वो इंफॉर्मेशन है करंट साइज और इसकी लोकेशन. नेक्स्ट है एफ ओपन फंक्शन किस लिए यूज किया जाता है. तो एफ ओपन फंक्शन जो है इज यूज टू ओपन द फाइल, फाइल को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है. और एफ क्लोज जो है इज यूज टू क्लोज द ओपन फाइल, जो फाइल हमारी ओपन है उसको क्लोज करने के लिए हम एफ क्लोज फंक्शन का यूज करते हैं. और देखिए अब हमने फाइल ओपन कैसे करते हैं हम, तो फाइल ओपन करने के लिए एफ पी इज द फाइल पॉइंटर इज इक्वल टू एफ ओपन, यानी कि फाइल ओपन करो किस नाम की, जो भी यहाँ पे फाइल नेम दोगे, और किस मोड में, जो मोड आप यहाँ पे डिक्लेयर करोगे. ये सिंटैक्स है हमारे फाइल को कैसे ओपन करेंगे. एंड देन क्लोज करने के लिए एफ क्लोज एंड देन फाइल पॉइंटर, यहाँ पे हमारा फाइल पॉइंटर. तो ये था हमारा एफ क्लोज फंक्शन. तो नेक्स्ट है अब मैं दो फंक्शन आपको बताने जा रही हूँ जिनका हम यूज करेंगे फाइल. एक है आपका एफ प्रिंट एफ जिससे हम फाइल में राइट करेंगे डेटा, और दूसरा है एफ स्कैन एफ जो हम फाइल से डेटा को रीड करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिनकी हेल्प से हम डेटा राइट एंड रीड करेंगे. पहला एफ प्रिंट एफ फंक्शन इज यूज टू राइट द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स और इंफॉर्मेशन टू द फाइल. एफ प्रिंट एफ फंक्शन का यूज फाइल में
वेरिएबल्स की वैल्यू लिखने के लिए और इंफॉर्मेशन लिखने के लिए यूज किया जाता है। इट मींस कोई भी फाइल में हम डेटा राइट करते हैं तो हम एफ प्रिंट एफ फंक्शन की हेल्प से राइट कर सकते हैं। दिस फंक्शन इज सिमिलर टू प्रिंट एफ, और ये जो फंक्शन है एफ प्रिंट एफ, एफ प्रिंट एफ का मतलब ही ये, फाइल में प्रिंट करो, फाइल एफ प्रिंट एफ। तो ये एफ प्रिंट एफ फंक्शन जो है ये सेम प्रिंट एफ फंक्शन की तरह है, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें देखिए, एक्सेप्ट दैट ए फाइल पॉइंटर इज इंक्लूडेड एज द फर्स्ट आर्गुमेंट। एफ प्रिंट एफ फंक्शन में फाइल पॉइंटर भी इंक्लूडेड होता है और फर्स्ट, जैसे हम एफ प्रिंट एफ फंक्शन यूज करते हैं तो पहला आर्गुमेंट हमारा फाइल पॉइंटर ही होता है, जैसे कि नीचे देखिए सिंटेक्स में बताया है, एफ प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन एंड देखिए पहला आर्गुमेंट हमारा क्या है, एफ पी, एफ पी हमारा क्या है, फाइल पॉइंटर। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। प्रिंट एफ में हम सिंपल फॉर्मेट स्पेसिफायर दे करके वेरिएबल्स दे देते हैं और यहाँ पे जिस फाइल में हमें राइट करना है उसका फाइल पॉइंटर राइट करेंगे एंड देन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की लिस्ट होगी, वो भी डिपेंड करती है हमारे वेरिएबल्स किस तरह के, एंड नेक्स्ट हमारी लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। तो जिस तरह के वेरिएबल्स होंगे वो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे एंड ये डेटा फाइल में राइट किया जाएगा, किसमें, जो एफ पी फाइल पॉइंटर है उसमें फाइल ओपन है। नेक्स्ट है हमारा एफ स्कैनएफ फंक्शन। तो एफ स्कैनएफ फंक्शन फाइल से डेटा को रीड करने के लिए यूज किया जाता है। तो एफ स्कैनएफ फंक्शन इज यूज टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल, फाइल से डेटा रीड करेंगे। दिस फंक्शन इज सिमिलर टू स्कैनएफ, और ये फंक्शन सेम ऐसे ही जैसा आप स्कैनएफ यूज करते हो, तो कीबोर्ड से जब एंटर करते हैं तो हम स्कैन करते हैं वैल्यू, तो अभी हम जब फाइल से डेटा को रीड करेंगे तो उसके लिए हम यूज करेंगे एफ स्कैनएफ। तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉमनली यूज होने वाले फंक्शन है, और भी फंक्शन है इसमें, जैसे एफ पुट एस है, एफ पुट सी है, एफ गेट एस है। तो जैसे जैसे हम यूज करेंगे आगे उनको डिस्क्राइब करते चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइल मोड्स और साथ में प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।